Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual funds and related issues. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज दिन है रविवार और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपने सवाल पूछने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेंद्र कुमार। धीरेंद्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस रवि से। पीपल हैव सेव्ड मोर देन 9,000 करोड़ रुपीज थ्रू जन औषधि केंद्र, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट ओवर 5,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम इंडियन कैपिटल मार्केट इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एंड कंटिन्यूइंग द सेलिंग स्ट्रीक फॉर द 9th स्ट्रेट मंथ। म्यूचुअल फंड्स पुल आउट ओवर 16,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम इक्विटीज मार्केट इन फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने जन औषधि के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की है। विदेशी निवेशकों ने मार्च के पहले सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली और लगातार 9वें महीने भी बिकवाली का रुख बनाए रखते हुए फरवरी में म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बाजार से 16,000 करोड़ रुपए निकाले। And Prime Minister Narendra Modi today called upon the people to use medicines from Jan Aushadhi Kendra, saying that people have saved more than 9,000 crore rupees through these Kendras. Speaking at the Jan Aushadhi Divas celebrations, Mr. Modi said, the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi scheme has relieved the poor of their high medical expenses. Jan Aushadhi centers are helping people from poor and middle class families to save around 3,600 crore rupees every year. Mr. Modi also dedicated the 7,500th Jan Aushadhi Kendra at Shillong to the nation. He said there were less than 100 Jan Aushadhi Kendras till 2014. He said government is focused on opening 10,000 centres very soon. And our first caller for the day is from Delhi. His name is Sushil. Sushil, welcome to Market Mantra. Sushil, go ahead. Yeah. सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर, मार्केट मंत्रा की टीम को और विशेष रूप से धीरेन्द्र जी को। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी डॉटर ने अभी स्टार्ट किया है अर्निंग करना, तो उसकी एज 28 ईयर्स है। तो मैंने उसको एडवाइस किया है कि एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड पर अपना स्टार्टिंग करे, तो उसने दिसंबर से एक सिप लगानी स्टार्ट की है। तो मेरा धीरेन्द्र जी से जानना एक क्वेश्चन है कि ये फंड उसके लिए ठीक रहेगा या इसके अलावा मैं एक्सिस मिड कैप और एसबीआई स्मॉल कैप भी ऐड कर सकता हूँ? आपकी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए सर। एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज एक अच्छा फंड है और बैलेंस फंड एक अच्छा फंड एक अच्छा कैटेगरी है किसी के लिए भी निवेश शुरू करने के लिए। लेकिन और मेरी सलाह एक और होगी कि अपनी बेटी को बताएं कि खुद इनको कैसे देखें, खुद कैसे समझें, कैसे एक्सप्लोर करें ऑप्शन को, कैसे कंपेयर करें। और बैलेंस एडवांटेज एक अच्छी शुरुआती पॉइंट है। अगर वो टैक्स पे करती हैं तो उनके लिए सबसे पहले एटीसी वाला टैक्स सेविंग फंड होना चाहिए और उसमें चूंकि 3 साल का लॉक इन हो जाता है और आमतौर पे 3 साल तक अगर आप किसी फंड में बंधे रहे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है। अगर वो जरूरत नहीं है तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक शुरुआती निवेशक के लिए अच्छी शुरुआत है और एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज एक अच्छा फंड है। He also wanted to know, should he go into Axis Mid Cap or SBI Small Cap? नहीं, किसी भी शुरुआती निवेशक के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत उतार चढ़ाव वाला है वाला फंड होता है। रिटर्न अच्छे मिलेंगे लेकिन यहाँ इस तरह के फंड में उनको 3 साल के बाद लगाना चाहिए क्योंकि
एक दो साल तीन साल आपको लग जाता है इस बाजार के उतार चढ़ाव और उसके फायदे और उसके नुकसान और उसमें बने रहने का फायदा समझने में, और उसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड बड़ा जरूरी है। धीरे-धीरे जनरली दीज डेज द मार्केट्स आर द हाई एंड द जनरल रूल फॉर मार्केट दे सेज बाय लो एंड सेल हाई। Now, mutual funds, the fund manager is supposed to do that on your behalf. So, many people, and we were looking at the data from mutual funds also, 9 straight months of withdrawals. Is that because small investors are cashing in on the unbelievable recovery in the markets? But should they do that? Because ideally, if you go to a mutual fund, the fund manager should be doing that for them, isn't it? No, not really. You know, when you actually invest in an equity fund, then the fund manager is supposed to build only a good portfolio of equity funds. Yes, a fund like Balanced Advantage Fund, which actually, you know, changes the allocation a little bit, tilts the portfolio towards equity or tilts the portfolio towards fixed income, these funds tend to, you know, they should take care of that need or they should fulfill that requirement that, you know, they should be taking action. But when any market decline, any substantial market decline in an equity fund, if it is not, they are supposed to be fully invested. And it is there, it is clearly stated. The idea is that, you know, the investor should be doing such allocation himself, or he should be choosing a fund which is doing taking care of that. Balanced Advantage Fund, Equity Income Fund, those are things which he should do. Otherwise, the investor has to do the, you know, asset allocation and rebalancing himself. दिल्ली से अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी अरुण, अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर लें प्लीज। फंड है, यूएस अपॉर्चुनिटी फंड है, पहले ही फंड की कोई कमी थी, अब ये नए फंड का कैसे इनको किताब हम। अरुण, अपना सवाल दोहराए प्लीज। अरुण आ गया है, जैसे फ्लेक्सी फंड आ गया है, यूएस अपॉर्चुनिटी फंड आ गया है, पहले ही इतने ज्यादा फंड थे और ज्यादा फंड आते जा रहे हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं ये। जी कंफ्यूज मत होइए, इन्हें इग्नोर कर दीजिए और थोड़ी बहुत जानकारी रखिए। मुझे लगता है कि ये जो यूएस अपॉर्चुनिटी फंड है, ये एक अच्छा इस तरह के विकल्प को आप एक साथ देखें, नैसडैक 100 यूएस अपॉर्चुनिटी फंड, ये आपको आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। और ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है, ये बहुत अलग नहीं है। अभी तक जो मल्टी कैप फंड थे, अधिकतर फंड वही मल्टी कैप, अब उनका नाम बदल दिया गया फ्लेक्सी कैप, क्योंकि मल्टी कैप के बारे में का नियम बदला था, जिसकी वजह से इनको बदलना पड़ा। और तो इसलिए मुझे लगता है कि इस कंफ्यूजन से बचने का एक ही तरीका है कि जो आपके काम का फंड है और केवल उसके बारे में चिंता करें, वहां पे आप देखें कि आप कंपेयर करके अच्छे फंड का चुनाव करें। चुनाव करने के बाद जब आप निवेश करें, तो उसके बाद एक दो साल तीन साल उसको मौका दें, हर साल का एक बार रिव्यू, बहुत सारे फंड को इग्नोर कर देना। ऐसे तो आप देखें तो 32 तरीके के तो फॉर्मल फंड है, और उसके अलावा भी ढेर सारे फंड है, बहुत तरीके के सेक्टर फंड है, बहुत तरीके के, तो अगर आप देखेंगे 40-50 तरीके के फंड तो भारतीय निवेशकों के लिए विकल्प है। लेकिन आपकी जरूरत 3-4 फंड से पूरी हो जाती है, 3-4-5 तरीके के फंड अधिकतम से एक साधारण निवेशक की जरूरत पूरी हो जाती है। लेकिन फंड कंपनियां ये लॉन्च करती हैं क्योंकि एक कारोबार है, दूसरे तौर पर उन्हें लुभाने के लिए, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह एक नया कहानी लोगों को बता करके उनको मनाने के लिए कि आप इसमें लगाइए, इसमें फायदा होगा। और कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन निवेश मुझे लगता है कि बहुत सिंप्लिसिटी का गेम है। आपकी अधिकतर जरूरतें 4-5 तरीके के फंड से पूरी हो जाती हैं, उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ना चाहें। शशिकांत फ्रॉम मुंबई इज ऑन लाइन विद अस। शशिकांत, वेलकम टू मार्केट मंत्र। या गुड इवनिंग टू ऑल द टीम मेंबर्स एंड धीरेन्द्र जी, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, सर मेरे दो क्वेश्चन है। जरा सीनियर सिटीजन के लिए सर, अभी इन्वेस्टमेंट जो करना है, मान लो मंथली इनकम में, मतलब उसको पेंशन टाइप अगर चाहिए, तो किसका पोस्ट में अच्छा है कि कोई बैंक में अच्छा है? और सर SBI का ब्लू चिप फंड कैसा है सर, रोज बताइए। आपको रेगुलर आमदनी के लिए, रिटायरमेंट में रेगुलर आमदनी के लिए जो आप निवेश करते हैं, वो दो तरीके का हो सकता है। एक सप्लीमेंट्री इनकम, आपको एक जगह से कहीं से पेंशन मिल रहा है और आप निवेश से जो पैसा निकाल, जो आपको मिलेगा, उस पर आपकी निर्भरता नहीं होगी, उस पर आप डिपेंड नहीं करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आपको आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपकी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें आपको पेंशन मिले, और वहां पे जो आप निवेश करेंगे और ये जो पैसा आप निवेश करेंगे, इस पर आप डिपेंड करेंगे हर महीने, उससे जो आमदनी होगी। अगर वैसी जरूरत है तो मुझे लगता है हर एक निवेशक को सबसे पहले वो गारंटेड इनकम वाले जो स्कीम्स है, पहले उनमें लगाना चाहिए। पोस्ट ऑफिस का
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसमें आप 15 लाख रुपया लगा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम, और उसके बाद LIC के स्कीम में 10 लाख रुपए जिसमें रेगुलर आमदनी मिलती है। ये आपका शुरुआत होना चाहिए। उसके बाद आपके लिए कुछ इक्विटी फंड में या बैलेंस फंड में पैसा लगाना भी जरूरत है, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आपके पैसे का वैल्यू कम हो रहा है। ये जो फंड है, ये जो निवेश है, इनपे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो महंगाई से ज्यादा नहीं होगा या महंगाई के बराबर होगा, या आप उस इनकम को आप कंज्यूम कर लेंगे, आप वो आपकी जरूरत के लिए वो होगा। तो आपका पैसा, आपका कैपिटल कॉन्स्टेंट रहेगा। उसको पीरियोडिकली, और आज का अगर आपके पास 20 लाख रुपया है तो 5 साल बाद वो 20 लाख रुपये नहीं होगा, उसका वर्थ कम होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए आपका पैसा कुछ ऐसा जगह लगा होना चाहिए जो कि इक्विटी, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, आपके कैपिटल के वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए बेहतर विकल्प है। तो उसमें आपका एक मीनिंगफुल एलोकेशन होना चाहिए। किस तरह का फंड, कितना कंजर्वेटिव, ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हैं और कितने उतार चढ़ाव से आपको तकलीफ नहीं होती है। आपका दूसरा प्रश्न कि SBI ब्लू चिप, ये एक बेहतरीन लार्ज कैप फंड है। गाजियाबाद से आशु दुग्गल हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। या गुड इवनिंग, आई हैव टू क्वेरीज। फर्स्ट वन, आई वांट टू नो योर इनपुट्स एंड थॉट्स अबाउट इन्वेस्को इंडिया ग्लोबल कंज्यूमर फंड। सेकेंड थिंग इज, आई एम गेट लिटिल कंफ्यूज राइट नाउ बिटवीन दीज थ्री फंड्स। वन इज पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड, देन इज कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, and the third one is PGIM India Flexicap Fund Regular. So which one should I go in for? I'm thinking of going monthly SIPs for 3 years, 3 to 4 years, on these, any of the two funds out of these three. Thank you. Your first question, Invesco Global Consumer Trend Fund. It's a very old fund, and the fund of fund, you know, this is a fund which will be investing in this fund, which has a very long history. This was launched a few months back, and it has a very, it has an outstanding history over the last 25, 30 years. And its mandate is also pretty, quite impressive in a sense that where it is supposed to invest money. Very interesting, you know, compelling track record. If we adjust the performance in the rupee-denominated performance of its long history, then I think the returns are even more impressive. This is a fund worth considering, and this is an old fund which has been made available to Indian investors only now. And of the three funds, I would say that, you know, Parag Parikh fund, like the cap fund, quite comprehensive. It gets you asset allocation in a limited way. It gets you a high quality, growth oriented, but yet relatively cheaper equity portfolio and allocation to international stocks as well. So it's an all in one fund. And being a multi cap, which can actually a flexi cap, which means it can really allocate depending on the opportunity or the circumstances. That one fund itself will be good enough. SPS Jain from Noida has joined us. Jain sahab, welcome to Market Mantra. Namaskar ji, Dhiren ji, namaskar. अभी दो दिन पहले मैं टीवी पर म्यूचुअल फंड का प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें बताया गया कि अभी लार्ज कैप का साइकिल खत्म हो गया है और आप धीमे इसको धीरे धीरे आप स्मॉल एंड मिड कैप में ट्रांसफर करिए, उनका साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आपने भी कई दफा कहा है कि हर फंड की अपनी एक साइकिल होती है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक साइकिल होती है, लेकिन इस साइकिल को गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है और मैं इसको गेस कर पाने में सक्षम नहीं हूं। जरूर एक साइकिल होती है अलग अलग सेगमेंट के बारे में, लेकिन ये कह पाना कि अभी क्या होगा और आने वाले 6 महीने में क्या होगा, आने वाले 1.5 महीने में क्या होगा, इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप जो जिस वजह से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं कि आप डाइवर्सिफाई कर पाए जब कोई भी साइकिल हो, और म्यूचुअल फंड मैनेजर आप उस फंड में पैसा लगाए जहां उसके पास आजादी हो पैसा लगाने का, वो अपने फंड को बदल सके जैसी जरूरत हो। और अगर आप ये करते हैं तो आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी और ये गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है। पुणे से आशीष हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर, मार्केट मंत्रा टीम जी, अपना सवाल पूछें।
सर मेरा क्वेश्चन है कि जो फ्रैंकलिन के अभी जो फंड्स बंद हुए हैं उनसे अनफॉर्चुनेटली मुझे भी कुछ पैसे वापस मिले बिकॉज मेरा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव था, तो अब वो पैसे मिल गए हैं और अभी मार्केट काफी हाई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? काइंडली एडवाइस ऑन दैट प्लीज। किसी कंजर्वेटिव डेट फंड में पैसा लगाइए, और बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिसमें आप पैसा लगाए तो वहां पे रिस्क ऐसा नहीं होगा। और ये फ्रैंकलिन का जो फंड है जिससे कि बहुत सारे लोग डर गए होंगे, लेकिन वो एक सब समझिए कि एक वो एक्सीडेंट था और एक ऐसे इनऑपर्चून टाइम पे हुआ था जिससे इससे बचा नहीं जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि अधिकतर फ्रैंकलिन के फंड में भी अधिकतर पैसा आपको मिल जाएगा। शुरू जो सबसे बड़े दो फंड है उसमें तो लोगों को आधा पैसा करीब करीब मिल भी गया है, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा खासा रियलाइजेशन हो जाएगा। और इस वजह से जो फ्रैंकलिन के फंड में हुआ, इस वजह से आपको ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। हाँ, इससे सबक जरूर लेना चाहिए कि हम क्या क्या करें जिस वजह से भविष्य में ऐसी समस्या ना आए या भविष्य में इस तरह के फंड से हम बच सके पहले ही। धीरेन्द्र, इफ यू हैव मनी फॉर अप टू 1 year, earlier we would typically look at ultra short term as a category among those 36 that SEBI had created, and Franklin was one of the top choices. Would you still look at ultra short term as a category probably with other fund houses, or would you avoid that category now? No, I will still consider, and you know, I will consider a ultra short term bond, but I will look for a portfolio which has a higher allocation to you know, relatively more conservative portfolio. One should not forget that, you know, Franklin was able to deliver substantially higher returns over the last 5-6 years, and that drew the investors, and that was possible with a lower rated portfolio. At the same time, you know, Franklin was able to prove that lower rated portfolio was also never faced a crisis of a significant kind. Only in 2020 in January they faced a problem with, you know, one big position they had in a security that has been fully recovered now, which was Vodafone Idea. And then came, you know, this big crisis in March where they had to stop it, but that was a crisis of a disproportionate kind where the liquidity froze, and we know the story after that. And after that, the whole delay has happened primarily because of the litigation, inability of, you know, different kind of investors. Understandably so. It looks like, you know, we are definitely far more informed after this whole crisis as a result of the litigation, as a result of all the investigation on. And it's not over yet. We still have to, you know, there are still, you know, things we are becoming aware of. But I would say that don't miss this opportunity. They still provide you a decent return with high liquidity. Of course, in the coming times, the interest rates have come down so dramatically that even a great return will not be very meaningful. So, err on the side of caution. So, would you be able to recommend an ultra short-term bond fund with a conservative portfolio? Yeah, there are quite a few. You know, there are funds. Make sure that, you know, 90% of the money is into AAA and sovereign security, and that itself will be good enough. यही अगली खबर पे नजर डालते हैं। 2 महीने के लिवाली रुख को पलटते हुए विदेशी निवेशकों ने मार्च के पहले सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली। ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 से 5 मार्च के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 881 करोड़ रुपए निकाले और ऋण बाजार से 4,275 करोड़ रुपए निकाले। इस तरह कुल निकासी 5,156 करोड़ रुपए की रही। फरवरी में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में 23,623 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जबकि जनवरी में 14,649 करोड़ रुपए डाले थे। You tune into Market Mantra, and today we are taking mutual fund related questions. The numbers on which you can call us on are 2331-4444, 2371-7106, 2371-7117. जैसा कि रवि ने बताया, हमारे फोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 2331-4444, 2371-7106, और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स पर, और म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल पूछने के लिए आप इन नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं। धीरेन्द्र, ऑन 6 अक्टूबर 2017 सेबी केम आउट विद दैट कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ कैटेगरीज। आई थिंक दे क्रिएटेड 36 स्कीम्स एंड इट्स ऑलमोस्ट व्हाट 3.5 years since that circular.
and we just had a caller calling and saying that I'm more confused now than before. Has that categorization really worked, or there should be some changes in that? What do you think? You know, that categorization actually brought about, you know, a kind of homogeneity in the different category. Otherwise, any fund, any category could be, there was no definition. Depending on the portfolio, Valley Research used to classify the fund, and, you know, a fund can very well change its color, change its complexion, and we get compared. So, you know, there was a large cap fund which can become a multi-cap fund. At other occasions, it could become a small cap fund. So that categorization definitely has brought about a degree of style purity. You know what you are getting into. And that was true for even for balance, even for debt funds. Now, I think, you know, we have another added thing which has happened, which is the riskometer has been enhanced further. And if you look at category along with riskometer, I think it has become quite a meaningful thing. It has become quite a useful thing in terms of decoding what the risk is. But beyond that, if you have to unclutter your mind in terms of what will fulfill your mind, what will fulfill your needs, I think you have to focus on what you require. There will be hundreds of things. And that is true for any product line. If you go to buy soap, you know, you will have a full row of things where your option is available, but you actually manage a couple of them and get away. Chennai se Ganesh hamare saath hai. Ganesh, swagat hai aapka, sawal puchhein. Good evening, Market Mantra team. Good evening, Dhirendra ji. See, nowadays, the metal sector seems to be the flavor of the market. I am having a large cap and multi-cap mutual funds. Will it be a good idea to buy a sectoral fund for the next few years at least, that is for the metal sector? I would like the opinion of our expert. Thank you very much. Metal sector has done little well over the, you know, this year it is up 20%. But not to forget that over the last 10 years it has produced no return. In the last 3 months it is up 25%. But, you know, 10 years no return is quite it talks quite a bit. Then you don't have a mutual fund which invests only in the metal company. And metal, any commodity, is a hugely cyclical thing. And it depends on the economic recovery and various other factors. So, one, I would urge that, you know, the kind of investor who invests in mutual funds, they should diversify. If at all you have to invest in few things, I would say that, you know, what I've been telling for all these years, I've proven to be wrong over a long period of time, at least for the pharma as well as the technology funds. Because some of these funds have not demonstrated a kind of downturn cyclicality over a sustained period of time. But beyond that, you know, what I'm saying is largely true. You don't have an option, and you should diversify. So I would urge you not to do that. Continuing the selling streak for the 9 straight months, mutual funds pulled out 16,306 crore rupees from equities in February, amid a record-breaking spree in the stock market. On the other hand, mutual funds invested 8,162 crore rupees in debt markets in February. According to the SEBI data, mutual funds have been continuously withdrawing money from equities since June 2020. The fund houses have pulled out over 1.2 lakh crores rupees till February this year. Dhirendra, we have been talking about you said that there's been some standardization and some purity that has been brought in with the standardization. Yeah. But whenever our callers call there, I mean, I've seen that your recommendation has typically been look for 2-3 multi-cap funds, which I believe now will be flexi-cap funds. Yeah. So, if one was to take that forward, would it be easier for SEBI to now probably rationalize that further as a small cap, mid cap, large cap, and flexi cap? Would that be enough? Do you still need those 10 categories that you have? Are there too many categories still? There are too many categories, and, you know, there is always a fight. I don't think one can fight against, you know, the kind of sector fund that we have. There can't be there is a value-oriented fund as well. So there could be legitimate reason for having them as individual. You know, they are all separate kind of funds. They are different funds. Their characters will be different. But that doesn't mean that you need to have one. If you have to, you know, there are two ways of approaching this multi-cap or the flexi-cap thing. You buy a large-cap fund, you buy a mid-cap fund, and you do buy a small-cap fund and then periodically rebalance. Or you buy a multi-flexi-cap fund, and that is the end of the story for you. Keeping it simple. And then there are various kind of international funds with different domicile and, you know, investing in different markets.
one should not forget that, you know, in mutual funds at a certain level is also a consumer product. Fund companies will come up with all kind of alternatives and try and lure you and give an investment thesis. And many of the investment thesis will work. Many of the investment thesis will not work in the short run, in the medium term. But, you know, keeping your life simple and keeping your, you know, keeping your investment in a straightforward way, which will actually get you 99% or 95% of the benefit that you derive from investing in equity, doing a periodic rebalancing, having, and, you know, keeping an eye on the cost, keeping an eye on the diversification, that gets you a substantial part of the benefit. Now comes, you know, how you buy into the story. Ignore the story. You know, we will have different kind of things being talked about at different point. And overcoming the noise is also, you know, as important for investment success than just choosing a good investment. Srikant from Mumbai is online with us. Srikant, welcome to Market Mantra. Good evening, Dhiranji and Ravi Kumar. Good evening. Great evening. I'm a small investor. I want to start in mutual funds with 3 to 5,000 in each fund. Can you specifically suggest 3 to 5 mutual funds, please? Thank you very much. 3 to 5 good mutual funds. Choose from our universe of, you know, flexi cap funds, and there are quite a few. I can actually just 10 of them. Go to our website, Value Switch Online, choose the 3-4. We now have a something called analyst choice, where our analysts keep an eye on a set of funds. And they say, so choose from that universe. And that is not a very long universe. Take a closer look at that. पालघर से आरके भीम हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. हाँ, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार जी. आप लोगों की सुझाव से मुझे काफी काफी नॉलेज मिलता है. थैंक यू वेरी मच फॉर द टीम. जी, स्वागत है. आई हैव एस्टिमेटेड द मार्केट. आई हैव बीन डीलर फॉर मेनी ईयर. फाइनेंस एनबीएफसी विल बी डूइंग वेरी गुड इन द फाइव ईयर कमिंग फाइव ईयर. Do you endorse my idea? I don't know. You know, depends. You know, there are good companies and there are bad companies. One is the sector. If you look at, you know, banking and finance, you have banking and finance in general has done very well. Some companies have done exceedingly well. And some companies have, you know, in fact, the largest bank in the country has been the most disappointing investment. So, depends. The way different indices get aggregated, that there are great companies, that there are bad companies. So I would say that focus on a good company, focus on a good fund, and you will have outliers. I come across a lot of good investment in a bad sector, and I come across a lot of bad investment in a great sector. There, you know, mind you, there were a couple of companies in technology sector in the last 25 years when we have seen an unprecedented boom and emergence of a full sector with massive growth. We had 2-3 big, you know, bankruptcies or, you know, big frauds or you know, disappointing experiences for investors in that sector. Likewise, we have seen, you know, some great companies emerging in a not-so-favorable sector. So, you know, focus on companies. I don't know. I don't have this view. I don't have a view on a sector. भोपाल से शंकर हमारे साथ हैं. इन सब जल्दी से अपना सवाल पूछ लें. सर नमस्ते. ये ब्लू चिप ईटीएफ कोई ऐसा फंड है क्या? मिड कैप ईटीएफ ऐसा कोई फंड है क्या? नहीं, ऐसा ब्लू चिप और मिड कैप नहीं है. लेकिन एक जूनियर निफ्टी ईटीएफ आपको उपलब्ध है, और सेंसेक्स और निफ्टी का ईटीएफ आपके पास उपलब्ध है, जो बहुत कम खर्चे पे आप खरीद सकते हैं. जी धीरेन्द्र, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद. धन्यवाद आपका. Thank you, Dhirendra. Before we close, a reminder of the headlines. People have saved more than 9,000 crore rupees through Jan Aushadhi Kendras, says Prime Minister Narendra Modi. Foreign investors pull out over 5,000 crore rupees from Indian capital markets in the first week of March. And continuing their selling streak for the ninth straight month, mutual funds pull out over 16,000 crore rupees from equity markets in February. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.